इन्ना अल्लाह का खलाका मिन सूरत ही, उनके कुरान में भी ऐसे कुरान से क्या अपने सूरत के अनुसार उन्होंने बनाया इसको मनुष्य को, ऐसा कोई नहीं। किंतु उस थोड़े विचार नहीं कर पाते हमारे सनातन धर्म में वेदों में से लेकर के अब तक इसके ज्वलन सब उदाहरण और प्रमाण है। इसलिए प्रभु पर ऊपर में विश्वास रखेंगे, नास्तिक मत बनेंगे, ये जगत ही सब सुख का कारण है ऐसा मत समझेंगे, ये तो जीवन निर्वाह करने की एक कला है, उसमें फंस न जाएंगे, उनको स्मरण करेंगे बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एक पैसा खर्च नहीं है, कैसे कहे एक पैसा का भी कोई खर्च नहीं है, एनर्जी भी नहीं जानी है, कोई भी एनर्जी आपका समय नष्ट नहीं होगा। आप कहेंगे हमारा समय बर्बाद हो जाएगा, तो आप लोग तो भारत के हैं, तेली जानते हैं किसको कहते थे, तेली जो तेल पेरते थे, कलबुल लगा करके बैलों को ठोली लगा करके तेल पेरते थे, तेल निकलता था, आज जैसा खटिया तेल नहीं, उस तेल को यहाँ पर थोड़ा सा रखने से ही आंसू आ जाते और इतना सुगंध है, आजकल का घी भी उस तेल को ही, आजकल तेल ही नहीं है, तो तेली वो तेल फेरता था दिन भर, हाट 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 उस पर बैठ करके और घुमाता था, समय नहीं। एक दिन नारद ने, अरे भले मानुष तो दिन भर हाट हाट करता है बैल चला करके और तेल फेरता है, अरे एक बार भगवान का नाम तो कर, राम नाम तो कर। क्या महाराज जी कहूं, मैं जानता हूं कि अच्छी चीज है किंतु मैं कर नहीं पाता, मुझे समय नहीं है, ये मैं कष्ट हूं, समय नहीं है, तू खाता है तू टट्टी जाता है पेशाब करता है, तुमको समय नहीं मिलता है, अब तो उस समय करने से होगा तो जरूर होगा, अच्छा तो आज मैं टट्टी करने के समय में जाऊंगा जंगल में, उस समय में जरूर कर लूंगा, तो बस समय तो और नहीं मिला टट्टी, समय लोटा उठाया भारतीय जैसे कि बाथरूम जो होता है ना स्वाभाविक इंटरनेशनल बाथरूम में हो गया मैदान में, और वहां पर टट्टी करते समय राम राम दो तीन बार किया, किंतु एक नियम है जहां राम नाम होगा वो हनुमान जी जरूर पहुंच जाएंगे, चाहे करोड़ आदमी एक साथ टट्टी बैठे या नाम इधर उधर कर रहे हैं रामायण भर सब जगह एक एक शरीर धारण करके वो पहुंच जाते हैं, तो वहां भी पहुंच गए, देखा ये तो बड़ा बदमाश तेली, ये स्नान करके नहीं कर रहा है, ये टट्टी करते हुए अपवित्र होकर के ये कर रहा है, उन्होंने उठाया और एक लात जम करके दिया, लात ऐसी दी जो कुंभकर्ण को लगते हैं वो गिर गया और रावण भी गिर गया, दसों मुख में मट्टी भर गई वो गिर गया, मेघनाथ गिर गए, कोई बचा नहीं, और ये तेली हरे कृष्ण कहते हुए हरे राम 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 कहते हुए शौच किया और आराम के साथ में चला गया। अजी क्या बात हुई, इसको मैंने इतने जोर से मारा ये इसको कुछ नहीं हुआ, क्या बात हुई, बहुत चिंतित रहे और आराम के साथ वो चला गया राम राम करता हुआ। थोड़ी देर के बाद में जब शाम हुई तो राम ये हनुमान जी राम के दरबार में पहुंचे और वहां पर सेवा करने के लिए उपस्थित हुए, जब वहां पर गए तो देखा आज राम कमर पर हाथ रखे हुए ओह आह कर रहे। हनुमान जी ने कहा जी प्रभु आज जो आपको क्या हो कह गया, तो तुमने आज ऐसी जो जम करके हमारे पीठ की धुलाई की कि मेरे रीढ़ और पसली एक हो गई, तो मैं प्रभु आपको मैं लात से मारूंगा, तो तुम नहीं तो कौन मारा, अरे तेली जबकि मेरा नाम कर रहा था, नाम और नामी दोनों एक है, नाम और दयालु है, मेरा स्वरूप ही नाम है, अभी गधा कहने से गधा नहीं आ जाएगा, किंतु राम कहने से कृष्ण कहने से साथ ही साथ वो कहां नहीं है इसलिए जरूर आ जाते हैं, तो मैं वहां चढ़ जब उसने राम किया और मैं पहुंच गया और तुमने जो लात मारी वो हमारे पीठ पर पड़ी, उसके पीठ पर नहीं, इसलिए उसका कुछ नहीं हुआ, किंतु हमारी तो पीठ एकदम ये हो गई, रीढ़ भी टूट गई। हनुमान जी बोले जी प्रभु आज से मैं कान पकड़ता हूं, कभी कोई भी किसी अवस्था में भी भगवान का नाम करे, मैं
छेड़छाड़ नहीं करता। तो ये समझिए जो भगवान का नाम भगवान से भी दयालु है। आप ऑफिस में हैं और कोई नहीं वहां पर है, कर ले तो क्या हर्ज है, ठीक है। पलंग पर आए, सोने जा रहे हो, प्रसाद पा लिया हो, सोने का समय है, और उस समय क्या चिंता करेंगे, ऑफिस में ये काम हुआ, यहाँ पर गड़बड़ी है, यहाँ पर ये ठीक करना है, वहां पर माल भेजना है, यहाँ पर माल प्रोडक्ट करना है, ये करना है, वो करना है। यदि वकील है तो सब जितने आपके क्लाइंट के जितने हैं फाइल आपके दिमाग में घूम रही है। टीचर है तो और सब की प्रॉब्लम, घर में रसोई की कोई पत्नी है तो रसोई की चिंता हो रही है, कल कहां से क्या चीज आएगा, कैसे होगा, क्या होगा। और हमारे पति एक गर्लफ्रेंड रख लिया, अब ये समस्या मैं क्या करूं। वो कभी एक दूसरी औरत को प्यार कर, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, ये नहीं सह सकती, मैं तो किरासन तेल या कोई चीज डाल करके स्पीड में जल मरूंगी, बड़ी भारी समस्या। पति ने देखा जैसे आ रही, ये तो बहुत प्यार ऊपर से करते हैं, किंतु इसका एक बॉयफ्रेंड है, देखते ऊपर से बस खूब लोग सुखी शांति से हैं, किंतु ऐसा कोई है नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं। किंतु उसी समय में ये सब प्रॉब्लम रहे एक बार तो बड़े प्यार के साथ में हरे कृष्ण सो जाओ, गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी खाने के लिए। ये चिंता नहीं करने की एक लड़की हमारी में शादी में हमने 10 लाख रुपए खर्च किया और हमारी 5 लड़कियां रात में नींद आएगी, नहीं आ सकती। आजकल बहुत कसम कसम चल रहा है, रसम कसम नौकरी नहीं मिलती। भारत में तो नौकरी मिलना बड़ा भारी कठिन है, इसलिए आप लोग इधर में आ गए। आपके पूर्वज लोग भी इसीलिए आए, मैं जानता हूं। वहां के शहर में कलकत्ते में ही जितने आदमी हैं, ये सारा फीजी मिलकर के ही नहीं, सारा ऑस्ट्रेलिया मिलकर के नहीं है, इसलिए बड़ी समस्या थी। इसलिए आप लोग छिटक फिटक करके हमसे घर में आ गए। आप लोग छिटक सकते हैं, हम लोग नहीं छिटके, हम जहां आप लोग रहेंगे वहीं पर जाएंगे और आपको याद दिलाएंगे। इसलिए हम भारत से यही संदेश लेकर गए हैं, चलते फिरते उठते बैठते जहां कहीं भी आपको समय मिल जाए, प्रभु को नाम लेने में कोई एनर्जी नहीं लगती, खर्च नहीं लगता, पैसा नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। हम आप लोगों से पैसा नहीं लेने आए, ये समझ रखिए, हम अपनी संपत्ति को, ये ज्ञान आप लोगों को देने के लिए आए। इसलिए जहां हम जाते हैं कह देते हैं भैया, जब देखो हम इस्कॉन वाले नहीं आए, इस्कॉन से नहीं, इस्कॉन के गुरु जो थे वो हमारे गुरु जी के शिष्य थे, हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य थे, किंतु अब ये लोग थोड़ा कुछ डिरेल्ड हो रहे हैं, उनको पैसा चाहिए। हम लोग पैसे के नहीं, हम एक संपत्ति देने के लिए आए हैं, उस संपत्ति का एक थोड़ा सा भी अंश आप लोगों को मिल जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, इसलिए हम आए। इसलिए हम पर आप लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि मैं कुछ लेने के लिए, आप लोगों का जीवन सुखी बनाने के लिए, भारतीय संदेश देने के लिए आया। मां तमसा ज्योतिर्गमय, अंधकार की तरफ में मत जाओ, ये अंधकार है, ये सब मोह है, मोह से निकल करके ड्यूटी में आइए, अपने पत्नी को देखिए, ये भगवान की प्यारी है। बच्चों को देखिए, क्या ये भगवान के प्यारे हैं, उनके अंश हैं, मैं भी वही हूं, इसलिए उनका सपोर्ट कीजिए, पालन पोषण कीजिए, उनको अच्छी तरह से ज्ञान में ले जाइए, भगवत भक्ति उनको दीजिए। ये आजकल की शिक्षाएं हमें कहां पतन में ले जा रही है। आजकल देखते हैं कि सिगरेट पीते हैं वही हमारे प्रिंसिपल और प्रोफेसर और टीचर ही, वो क्या शिक्षा दें, उनका चरित्र ही नहीं अच्छा है, वो क्या देंगे। इसलिए ऐसी परंपराएं हैं, इसमें संत लोग जो है, जो भजन किए हैं, उनकी बातों को मान करके थोड़ा सा चलिए। यह राजनीति जब तक धर्म नीति के द्वारा संचालित नहीं होगी, कंट्रोल नहीं होगी, जगत का विनाश करेगी। पहले ऐसा था, राजनीति धर्म नीति के द्वारा शासित होती और सब जगत का कल्याण, वो राम राज्य होता था। तो आप लोग भी राम राज्य में रहिए, राष्ट्र तो ऐसा नहीं हो सकता, व्यक्तिगत हो सकता। इसलिए आज यहीं पर समाप्त करता हूँ, आज से हमारा प्रवचन होगा कोई विष्णु मंदिर लटोका में,
आप अनाउंस कर देंगे को आप लोग सभी लोग वहां पर जाएंगे, हिंदी में बोलूंगा। दरिया का मत भेजे प्रणामी, अंत में आरती जब होगी तो प्रणामी एक एक पैसा या एक एक डॉलर दे। नहीं नहीं कुछ नहीं देना पड़ेगा, कोई डरने की जरूरत। आप लोग आएंगे और स्वच्छंद हृदय से आएंगे, इसको सुनेंगे, अच्छा लगेगा तो आप लोग इसको पालन करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं, मैं अपना अपनी टोकरी भरी हुई फिर वृंदावन में ले जाऊंगा, मैं सस्ते में बेचने की चेष्टा करूंगा। किंतु यदि कोई आजकल दूध नहीं बिकता है और घर घर में वहां दुकान पर मदिरा बिक जाता है, लाइन लगी जाती है एकदम। हमारे बच्चे आज इंडिया में भी कोको कोला सीख रहे हैं, दूध नहीं पीते, कोको कोला फेंक देंगे, दूध फेंक देंगे, कोको कोला कहीं मैया से मांगेंगे। तो वैसे ही आप लोग इस धारा में आइए, भजन कीजिए, अपने घर की चीजें आप ही के पास में रहेंगी, आपका जीवन सुखमय हो रहेगा। अद्वैताचार्य जी से देने के लिए आए थे, आज उन्हीं का आविर्भाव तिथि है, आज उनके चरणों में हम श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करते हैं।